आपने अब तक कई गांव को देखा होगा, कई ऐसे गांव के बारे में सुना होगा जो काफी विकसित है और किसी ना किसी खास वजह से देश के मानचित्र में एक खास स्थान रखते हैं। लेकिन क्या आपने किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां के लोगों की पहचान उनके नाम से नहीं, किसी खास धुन, ट्यून या हुट से होती है? तो चलिए आपको लिए चलते हैं मेघालय के एक ऐसे ही गांव कोंगथोंग के सफर पर। ये सीटी ही इस गांव की पहचान है, इस गांव के लोगों की पहचान है। देश का ये इकलौता ऐसा अनोखा गांव है जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं सीटी बजाकर बुलाते हैं। सीटी बजाने का मतलब है एक खास धुन जो कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है। मेघालय का ये अनोखा गांव है कोंगथोंग, जो कि विस्लिंग विलेज के नाम से भी मशहूर है। यहाँ जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ उसके लिए कोई धुन बनाती है और उसके नाम के साथ ये धुन उस बच्चे की पहचान बनती है। आपको ये थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन यही इस गांव की हकीकत है। This tunes is only for communication only, communications. No? So that instead of calling by their names, we are calling by their song. So suppose I am Gibson. So instead of calling, hey Gibson, come here, you can call by my tune, like. मेघालय की राजधानी शिलोंग से करीब 55 किलोमीटर दूर ईस्ट खासी हिल्स जिले में मौजूद है कोंगथोंग गांव। पक्की सड़कें, पक्के मकान, बड़ी गाड़ियां, विकास के बयार से गांव अछूता नहीं है। हर घर जल की सुविधा भी इस पहाड़ी गांव तक पहुंच गई है। अपने प्राकृतिक सौंदर्य और विशिष्ट संस्कृति के लिए मशहूर कोंगथोंग संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की लिस्ट में शामिल है। इस गांव को सांसद राकेश सिन्हा ने गोद लिया है। इस गांव की आबादी 700 के करीब है। इसका मतलब ये है कि एक समय में यहाँ 700 से ज्यादा धुनें सुनी जा सकती हैं। इस गांव में सड़क के किनारे चलते समय आपको सीटी की कई आवाजें सुनाई देंगी। ये परंपरा कहाँ से आई कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये रीति रिवाज इस गांव की स्थापना के बाद से अस्तित्व में है। What's the meaning of this tune? This is the I don't know its meaning, but it's the tunes of my mother's is composed of our grandmother. अब सवाल है कि किसी शख्स की पहचान कोई खास धुन कैसे बनती है? दरअसल जब भी कोई महिला गर्भवती होती है तो वो अपने बच्चे के लिए लोरी के बारे में सोचती है। ये कोई धुन होती है। लोरी की धुन आमतौर पर प्रकृति और पक्षियों से प्रेरित होती है। बच्चे के जन्म के बाद उसके आसपास के लोग उस धुन को लगातार गुनगुनाते रहते हैं ताकि उसकी पहचान इस ध्वनि से हो जाए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये धुन, जिसे जिंगरबाई लोबोई के नाम से भी जाना जाता है, उनके जीवन का हिस्सा बन जाती है, उनकी पहचान बन जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।